नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देखेगा उत्तराखंड। देखेगा उत्तराखंड में आज आपके लिए कई सारी खबरें हैं जो आपको जाननी चाहिए, क्योंकि ये खबरें आपकी जानकारी भी बढ़ाएंगी और आपको बताएंगे कि क्या कुछ खास चल रहा है उत्तराखंड में। देखेगा उत्तराखंड में आपको दिखाएंगे कि स्मार्ट सिटी के तहत किस तरह से देहरादून को सजाया जाएगा, सवारा जाएगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत क्या कुछ खास चल रहा है, उन सब पहलुओं पर नजर डालेंगे। कितना खर्चा हो रहा है और किन किन चीजों पर यह खर्चा हो रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत देहरादून के बाद अब उसके बाद प्रदेश में क्या कुछ होगा, पहाड़ी जिलों के लिए क्या कुछ खबरें हैं वो भी आपको दिखाएंगे। देखिएगा उत्तराखंड में आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरह से इस बार केदारनाथ की यात्रा तमाम रिकॉर्ड तोड़ रही है। ये वही केदारनाथ की यात्रा है जो 2013 की आपदा के बाद इस अनुमान में थी कि शायद ही 15 से 20 साल तक केदारनाथ अपने पुराने रूप में लौट पाएगा, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ यात्रा हो रही है। कितने यात्री पहुंचे हैं ये सब आंकड़ा आपको बताया जाएगा। मेरा वोट मेरा गांव, ये मुहिम आपने सुनी होगी, सोशल मीडिया पर खूब चर्चाओं में भी है, क्योंकि उत्तराखंड से राज्यसभा के सांसद अनिल बलूनी इस मुहिम को चला रहे हैं। इस मुहिम के तहत किन किन लोगों को वो निमंत्रण दे चुके हैं उस पर भी आपको आज जानकारी देंगे। साथ ही ये भी आपको बताएंगे कि किस तरह से साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है। जितनी तेजी से आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं उतनी ही तेजी से साइबर क्राइम बढ़ रहा है, और उत्तराखंड में फेसबुक अकाउंट्स के हैक होने की खबरें भी कई जगहों से सामने आई, यहां तक कि इसमें मुख्यमंत्री के सलाहकार भी शामिल हैं। इस खबर पर भी आपको विस्तृत जानकारी देंगे, और भी बहुत सारी खबरें रहेगी। आप लगातार इस प्रोग्राम में बने रहिए, क्योंकि आप देखेगा उत्तराखंड। तो आपको याद होगा साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की नींव रखी थी। देश के कई शहर और उन शहरों के शहरवासी इस उम्मीद में उसके बाद से ही थे कि आखिर अब कम से कम उनके शहर का भी भला होगा, उनके शहर का भी नंबर आ पाएगा, उनका शहर भी देश के स्मार्ट शहरों में शामिल हो जाएगा। देहरादून को भी इंतजार काफी ज्यादा करना पड़ा, लेकिन शहर को स्मार्ट बनाने की कवायद लगातार जारी है। सरकार और सरकार के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि देहरादून को स्मार्ट बनाने का काम लगातार जारी है। जरूरत है भीड़ को कम करने की, बाजारों को सुरक्षित और व्यवस्थित करने की। इसके लिए 4000 एकड़ लैंड की आवश्यकता है, इसको तलाशा जा रहा है। इसके अलावा आपको ये बता दें कि स्मार्ट दून के लिए 484.76 करोड़ रुपए की कई योजनाओं के वर्क ऑर्डरों को जारी कर दिया गया है। नए दून की परिकल्पना के लिए नए लैंड बैंक की जरूरत भी होगी। जाहिर सी बात है कि शहर में भीड़ भड़ाका, जाम की समस्या और भी कई तरह की समस्याएं हैं जो कि लगातार बन रही हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। एक तस्वीर में है कैसा होगा आपका दून, प्रतीकात्मक तस्वीरें आप देख सकते हैं, और दूसरी तरफ इसको स्मार्ट बनाने की कवायद किस तरह से चल रही है वो तस्वीरें हैं। देहरादून को सवारने के लिए बड़े पैमाने पर काम की आवश्यकता है। सरकार का कहना है कि देहरादून स्मार्ट बनेगा, लेकिन इस मामले में चुनौतियां भी काफी ज्यादा हैं। जब दून अपनी कल्पना वाला दून बन जाएगा तो उसके बाद गढ़वाल कुमाऊं के पहाड़ी शहरों का भी नंबर आएगा। इन जिलों में भी स्मार्ट सिटी बनाने की जरूरत है, वहां पर भी स्मार्ट सिटी बनाई जाएंगी। तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप देहरादून में रहते हैं या फिर आप देहरादून में नहीं भी रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, तो ये खबर आपको देखनी चाहिए, ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए, क्योंकि जो योजनाएं बन रही हैं उस तरह से आने वाले समय में दून के साथ साथ पहाड़ के शहरों की भी तस्वीर बदल सकती है। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे और ये रिपोर्ट आपको बताएगी कि किस तरह से देहरादून शहर का कायाकल्प होगा, नए देहरादून की स्थापना होगी, और मुख्यमंत्री सरकार किस तरह से इस पर काम कर रहे हैं, आप ये रिपोर्ट देखिए। हर दूरवासी की ये चाह है कि देहरादून भी स्मार्ट सिटी बने। पीएम मोदी के स्मार्ट सिटी वाले सपने के साकार होने की कल्पना आज देश का हर शहर और हर शहरवासी करता है। दून के एक होटल में ही स्मार्ट सिटी लिमिटेड की द्वारा स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक, चार धाम विकास परिषद के उपाध्यक्ष आचार्य शिव प्रसाद मंगाई, धर्मपुर विधायक विनोद चमोली, मेयर सुनील उनियाल गामा, विधायक हरबंस कपूर, मसूरी विधायक गणेश जोशी, पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सीईओ स्मार्ट सिटी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की चौथी वर्षगांठ है। 4 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की गई थी। देहरादून स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में जून 2019 में 58वें नंबर पर है। स्मार्ट सिटी एरिया के अंदर 5 करोड़ रुपए के पेड़ लगाए जाने हैं।
साथ ही पार्किंग की उचित व्यवस्था के लिए भी बेहतरीन काम किया जा रहा है, जिससे पैदल चलने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। खास बात यह है कि इस वर्क ऑर्डर के बाद देहरादून का 40वां स्थान हो जाएगा। आज हमारी स्थिति यह है कि आज के वर्क ऑर्डर के बाद हम 40 शहरों में हो जाएंगे, जबकि हमसे ऊपर वाले शहरों में से बहुत सारे शहर ऐसे हैं जो कि प्रथम और द्वितीय चरण में चुने गए थे। हम तीसरे चरण में चुनी गई सिटी हैं। तो इस समय बहुत तेज़ी से गवर्नमेंट से जो क्लियरेंसेस हैं वो बहुत तेज़ी से मिल रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अक्टूबर माह में जितने भी कार्य हैं उन सभी कार्यों को हमारी कोशिश रहेगी कि वो धरातल पर उतरने शुरू हो जाए। जो कागजी कार्रवाई है टेंडर करने की, वर्क ऑर्डर जारी करने की, वो सब समाप्त हो। इस मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्मार्ट दून की 484.76 करोड़ के वर्क ऑर्डर जारी करते हुए कहा कि दून के भीड़भाड़ वाले बाजारों को सुरक्षित स्थानों पर बसाने के लिए लैंड बैंक की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दून के अंगेलिया और ऋषिकेश के IDPL की जमीन पर नया दून बसाया जा सकता है। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए जा चुके हैं। स्मार्ट सिटी के लिए 1,407 करोड़ रुपए खर्च होने हैं, जिसके लिए सरकार और आम जनता को मिलकर काम करने की जरूरत है। तो काफी ये कह सकते हैं कि बहुत स्मार्टली इस पर काम हुआ है। हमारे जो अधिकारी हैं, जो परामर्शी हैं, उन्होंने समय पर वो काम कर रहे हैं, और इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये जो स्मार्ट सिटी का हमारा प्रोजेक्ट है, ये जो इसके लिए नियत तिथि है, हम उसे पहले इसको संपन्न करने में सफल हो पाएंगे। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक का कहना है कि दून के लिए लगभग 485 करोड़ के वर्क ऑर्डर संबंधित अधिकारियों को सौंपे जाएंगे। उन्होंने बताया कि दून के बाद गढ़वाल और कुमाऊं के जिलों में स्मार्ट सिटी पर काम किया जाएगा। कोटद्वार के लिए 500 करोड़ की योजना भारत सरकार ने स्वीकृत कर दी है, इस पर भी जल्द काम शुरू किया जाएगा। आज स्मार्ट सिटी के जो हमारे प्रोजेक्ट है उन सबको आज हम संबंधित विभागों को, जो करने वाली एजेंसी, उनको देंगे। लगभग 500 करोड़ के, 485 करोड़ के काम है जो आज फाइनल हमने किए हैं। मुख्यमंत्री जी इसको लॉन्चिंग करेंगे। वहीं राज्य मंत्री आचार्य शिव प्रसाद ममगाई का कहना है कि स्मार्ट सिटी के बाद शहर के अंदर वाहन न जाने से भीड़ भाड़ से निजात मिलेगी। वाहनों की निकासी के लिए शहर के बाहर ही उचित व्यवस्था की जाएगी। तो मार्ग जो है शहर की बाहरी बाहर होंगे, जो बाहर से गाड़ी आने वाली है, अंदर जो है एक सौंदर्यता को जो है भाव मिले। यानी कि ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में देहरादून में उचित पार्किंग व्यवस्था होगी, जाम के जाम से निजात मिल पाएगी, शहर के बड़े बाजार सुव्यवस्थित होंगे, तभी तो दून स्मार्ट कहलाएगा। संवाद 365 के लिए कैमरामैन किशोर रावत के साथ पूजा कोठियाल की रिपोर्ट। तो आपने रिपोर्ट देखी और समझा कि किस तरह से दून को स्मार्ट बनाने की कवायद चल रही है, नए दून को बसाने के लिए काम चल रहा है। सिर्फ दून ही नहीं, बल्कि जैसा कि आपने रिपोर्ट में भी देखा, प्रदेश के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक का साफ कहना है कि दून के बाद गढ़वाल और कुमाऊं के जिलों को भी स्मार्ट बनाया जाएगा। यहां पर भी कई छोटे शहरों को स्मार्ट बनाने का काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोटद्वार के लिए बकायदा 500 करोड़ की योजना भारत सरकार ने स्वीकृत कर दी है, इस पर जल्द ही काम शुरू किया जाएगा और बाकी शहरों के लिए भी प्रस्ताव भेजा जा रहा है। अब एक और महत्वपूर्ण बात है, 2020 तक देहरादून CNG शहरों में शामिल हो जाएगा, इसके लिए कार्य प्रगति पर है। दून के बाद विकासनगर और ऋषिकेश जैसे कस्बों को भी CNG से जोड़ा जाएगा। तो चलिए अब आपको ये बता देते हैं कि दून जब स्मार्ट बनेगा तो उसमें क्या कुछ काम होने जा रहे हैं। देहरादून में स्मार्ट सड़कें बनेंगी जिनकी लागत 57.49 करोड़ रुपए होगी। शहर में ड्रेनेज सिस्टम बेहतर बनेगा, 37.99 करोड़ रुपए लागत होगी। 64.33 करोड़ के मल्टी यूटिलिटी डक्ट बनेंगे। पेयजल पाइपलाइन जिसकी लागत 9.96 करोड़ रुपए होगी। सीवर लाइन को चमकाया जाएगा, इसकी लागत 20.77 करोड़ रुपए होगी। ICCC सेंटर बनेगा, इसकी लागत 199.78 करोड़ रुपए होगी। स्मार्ट विंस बेस्ट गाड़ियां बनेंगी, लागत होगी 9.34 करोड़। PPP मोड पर वाटर ATM देहरादून शहर में लगाए जाएंगे, इसकी लागत होगी 1.98 करोड़। स्मार्ट टॉयलेट बनेंगी, इसकी लागत भी करोड़ों में होगी। इसी तरह से MDDA पार्क बनेगा, लागत 7 करोड़ है। तो ये सभी जानकारियां हमने आपको बताई हैं कि किस तरह से देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। तो अब इंतजार इस बात का रहेगा कि किस तरह से काम धरातल पर उतरता है और आज के भीड़ भाड़ वाले देहरादून को क्या हम कुछ सालों के बाद एक स्मार्ट दून के रूप में देख सकेंगे। काम काफी बड़ा है, लिहाजा चुनौतियां भी काफी ज्यादा है,
लेकिन सभी को उम्मीद करनी चाहिए कि दून स्मार्ट बने और उसके बाद, जैसा कि शहरी विकास मंत्री का कहना है, कि प्रदेश के अन्य शहरों को भी हाईटेक और स्मार्ट बनाया जाएगा, तो इसका इंतजार भी सभी को रहेगा। एक तरफ हम देहरादून को स्मार्ट सिटी के रूप में देखना चाहते हैं, शहर के साथ साथ अब कल्पना ये भी करने लगे हैं कि पहाड़ और छोटे कस्बे भी स्मार्ट बने, शहरों का नंबर भी आए। लेकिन एक सच ये भी है कि पहाड़ों से पलायन ही प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, ये तीन बड़ी गंभीर समस्याएं हैं जो कि प्रदेश में हमेशा से ही रही हैं। 19 सालों में बीजेपी और कांग्रेस की सरकारें आई गई, लेकिन इस बात पर बवाल भी हुआ, पलायन की प्रक्रिया तब भी जारी रही। उत्तराखंड से बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं अनिल बलूनी, बीजेपी के मीडिया प्रभारी भी हैं, पहचान बताने की जरूरत नहीं है। आपने कई बार बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्हें देखा होगा। अनिल बलूनी ने एक पहल जरूर शुरू की, सोशल मीडिया में इसे अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी मिला, अपना वोट अपने गांव। बलूनी ने सबसे पहले इसके लिए एक पत्र लिखा था और अपने मूल गांव में अपना वोट ट्रांसफर करने की बात कही थी। इसके बाद से ही रिवर्स माइग्रेशन हो, इसके लिए वो भी बड़े बड़े पदों पर आसीन उत्तराखंडियों से मिल रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि अनिल बलूनी सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत से मिले, कोस्ट गार्ड चीफ राजन सिंह से मिले, एनएसए अजीत डोभाल से मिले और इन सब से मिलकर अपनी मुहिम को उन्होंने जारी रखा। एनएसए ने भी, यानी कि अजीत डोभाल ने भी उन्हें आश्वासन दिया है कि वो भी अपना वोट अपने ही गांव में ट्रांसफर करवाएंगे। इस चीज का आश्वासन अनिल बलूनी को दिया गया। ये सब बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप भी इस मुहिम को समझ पाएं। अनिल बलूनी, अजीत डोभाल, राजेंद्र सिंह, ये ऐसे नाम हैं जो कि आज एक बड़े मुकाम पर पहुंच गए हैं। निश्चित रूप से जब बड़ा नाम कोई पहल करे तो इसकी तारीफ भी होनी चाहिए। अगर ये लोग अपने वोट को अपने गांव में डालते हैं तो इससे जरूर लोगों को प्रेरणा मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। लेकिन इसी बीच हमें एक बात ये भी सोचनी चाहिए कि क्या सिर्फ इस तरह की पहल से कुछ असर हो पाएगा, क्योंकि कई बार लोग अलग अलग तरीके से संदेश देने की कोशिश करते हैं कि अपने गांव वापस आ जाओ, रिवर्स माइग्रेशन हो। लेकिन कड़वा सवाल आखिर यह भी है कि रिवर्स माइग्रेशन किस बुनियाद पर हो। संदेश कई बार देने की कोशिश होती है लेकिन कोशिशों तक ही सीमित रह जाती है। असल में बुनियादी सुविधाओं का अभाव ही सबसे बड़ी समस्या है जिस पर सरकारों को ध्यान देना चाहिए। ये मुहिम काबिले तारीफ है लेकिन इन मुहिमों के साथ साथ तमाम जो सुविधाएं पहाड़ों पर नहीं मिल पा रही हैं, जो मेन कारण है पलायन का, उन पर भी गौर फरमाने की आवश्यकता है। तो अनिल बलूनी की ये मुहिम, इससे तमाम लोग जुड़ें, ये हम भी अपील करते हैं, लेकिन सरकार से भी अपील ये रहेगी कि इस मामले पर गंभीरता से काम किया जाए। तो चलिए अब अगली खबर का आपको विश्लेषण दिखाते हैं। आज का दौर सबसे तेज सूचना प्रसारण का दौर है। इस डिजिटल दौर में कई तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिनका इस्तेमाल आज अधिकतम लोग करते हैं, एक दूसरे से जुड़ने के लिए, देश प्रदेश और विदेश की जानकारियों से खुद को अपडेट रखने के लिए। सभी लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त जब आप मुझे सुन रहे हैं तो आपको भी कई तरह से जानकारियां मिल रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। साइबर क्राइम भी सोशल मीडिया के क्रेज के साथ साथ लगातार बढ़ता जा रहा है। आपका डाटा लीक हो सकता है या फिर आपका अकाउंट हैक हो सकता है, इस तरह की खबरें आपने पहले भी कई बार सुनी होंगी। कुछ साइबर हैकरों ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के ओएसडी समेत कईयों के फेसबुक पेज को हैक कर लिया था। हैकरों ने आईडी में नाम बदलकर ये पूरा खेल किया। इस साइबर क्राइम को आप बिल्कुल भी हल्के में लें और बड़ी ही सावधानी के साथ सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल करें। पेज पर फोटो और प्रोफाइल के चलते कई लोग जाने अनजाने में इन हैकरों के संपर्क में आ जाते हैं और इसका सीधा सीधा फायदा उठाकर हैकर्स अश्लील मैसेज भेजने के साथ साथ ब्लैकमेलिंग तक कर रहे हैं। लोगों ने पुलिस मुख्यालय और साइबर थाने में बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज करवाई हैं। हाल ही में दून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर समेत अन्य जनपदों में हैकरों ने सैकड़ों की संख्या में फेसबुक आईडियां हैक कर ली। दून में मुख्यमंत्री के ओएसडी धीरेंद्र पवार की आईडी को भी हैक किया गया। जी हाँ, बड़ी रोचक बात है, स्टीव टेलर, निकोलस टेलर, ये सब नाम बदले गए और ये सब नाम अपरिचित नाम थे लेकिन फोटोज वही थी। साइबर सेल में हर दिन करीब 10 से 15 लोग इस तरह की शिकायत लेकर आ रहे हैं। अब आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए वो भी आप जान लीजिए। साइबर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आप कभी भी अनजाने लिंक पर क्लिक ना करें। इस तरह के हैकर्स विदेशों से भी आपका अकाउंट हैक कर देते हैं। अपना एक्सेस आप किसी को ना दें, इससे कोई भी आपकी जो निजी जानकारियां हैं उनको चुरा सकता है। इसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा सकता है या फिर आपका अकाउंट हैक हो सकता है। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप जरूर करें तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए या फिर लोगों से जुड़ने के लिए, लेकिन बड़ी सावधानी के साथ, क्योंकि जितनी तेजी के साथ सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ रहा है उतनी ही तेजी के साथ साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है। तो ये जानकारी जो आज हमने दी आपको, ये बेहद जरूरी आपके लिए भी थी। अब हम बात करेंगे केदारनाथ की। केदारनाथ यात्रा साल 2013 की केदार त्रासदी के बाद
केंद्र और राज्य सरकार के लिए काफी बड़ी चुनौती भी रही थी। साल 2013 की आपदा के बाद एक पल के लिए यह लग रहा था कि आने वाले 20 सालों तक शायद ही केदारपुरी फिर से अपने पुराने रूप में आ पाए, लेकिन उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने शीतकाल की हार कपाती ठंड में भी इस पुनर्निर्माण काम को जारी रखा और उसके बाद बीजेपी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने इस काम को एक नई गति दी। खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 4 वर्ष केदारनाथ धाम में आए, जिससे कि देश और विदेश में भी केदार त्रासदी का जो भय था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। इसी का परिणाम है कि साल दर साल केदारनाथ की यात्रा अपने नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। इस साल में 7,32,000 तीर्थयात्रियों ने पिछले साल केदारनाथ में दर्शन किए थे, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड था, लेकिन इस वर्ष ये आंकड़ा मात्र 1.5 महीने में ही पार कर गया है और 55 दिनों की इस साल की केदारनाथ की यात्रा में 7,64,000, एक बार फिर से मैं दोहराता हूं, 7,64,000 तीर्थयात्रियों ने बाबा केदारनाथ के दर्शन कर लिए हैं, जबकि अभी भी करीब 4 महीने की यात्रा बाकी है। ऐसे में स्वाभाविक है कि आने वाले दिनों में और भी नए रिकॉर्ड बनते जाएंगे। केदारनाथ यात्रा की पटरी पर लौटने से जहां स्थानीय डंडी कंडी घोड़े खच्चर संचालकों समेत तमाम लोगों को जो कि वहां पर व्यवसाय करते हैं उनके व्यवसाय में जहां पर इजाफा हुआ है, तो देश दुनिया में यह संदेश भी गया है कि 2013 की त्रासदी के बाद उत्तराखंड सुरक्षित है और यहां पर यात्रा में आप आ सकते हैं। पिछले साल की संख्या पर नजर डालें तो 7,32,000 यात्री पूरे सीजन में केदारनाथ में आए थे और इस वर्ष 45 से 46 दिनों के अंदर ही 7,30,000 से ज़्यादा यात्री आ चुके हैं। तो अगर हम आजीविका की दृष्टि से देखें, स्थानीय लोगों की जो परंपरागत आजीविका है उसकी दृष्टि से देखें, तो सबके लिए एक खुशखबरी है और क्षेत्र के लिए एक अच्छा संदेश है। तो चलिए अब अगली खबर आपको दिखाते हैं सड़क से जुड़ी हुई। उत्तराखंड में चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना का काम लगातार जारी है, लेकिन पहाड़ों में जो समस्या सबसे बड़ी रही है वो है भूस्खलन की। चारधाम यात्रा अपने पीक सीजन पर है। इस वक्त उत्तराखंड में चारधाम यात्रा काफी तेजी से चल रही है। जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, मानसून अभी पीक सीजन पर नहीं आया है। मानसून और चारधाम यात्रा का हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि मानसून में ही पहाड़ों पर सबसे ज्यादा भूस्खलन की खबरें सामने आती हैं। कई सड़कें ज्यादातर बंद रहती हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर अलकनंदा झील के समीप फरासू भूस्खलन जोन मानसून सीजन में सिरदर्द बन सकता है, जिससे कि चमोली रुद्रप्रयाग आने जाने वाले लोगों के साथ साथ ही चारधाम यात्रियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग खंड ने इससे निपटने के लिए अभी तक कोई भी ठोस पहल हालांकि नहीं की है, इसके लिए चिंता जरूर जताई है। आपको बता दें कि अप्रैल महीने में ऑल वेदर रोड निर्माण कार्य के दौरान फरासू के पास और हनुमान मंदिर के बीच एक भूस्खलन जोन सक्रिय हो गया था। तस्वीरें आप देखिए, तब से लेकर कई बार भूस्खलन के चलते यह राजमार्ग बाधित हुआ। एसडीएम श्रीनगर का कहना कि एनएच वालों के साथ लगातार संपर्क है, एक मशीन और जेसीबी को वहां पर तैनात कर दिया गया है, जैसे ही मलबा आता है तो उसे तुरंत साफ कर दिया जाएगा। भारत माता ट्रस्ट के संस्थापक स्वामी सत्यमित्रानंद को भू समाधि दे दी गई। लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया था, जिसके बाद सनातन परंपरा के साथ राघव कुटीर में विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ उन्हें भू समाधि दे दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके भक्त वहां पर पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, उनके साथ ही कई राजनीतिक हस्तियां और साधु संत उनको श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर पहुंचे। तो चलिए आपको सुनाते हैं उसके बाद क्या कहा केंद्रीय मंत्रियों ने। स्वामी जी के बारे में सहज रूप से कोई सच्चाई को स्वीकार करेगा कि एक महान व आध्यात्मिक पुरुष थे और उनके जीवन का अध्यात्म केवल व्यक्तिगत मोक्ष प्राप्ति के लिए ही उनका अध्यात्म नहीं था, बल्कि भारत को विश्व गुरु के पद पर आसीन करना मुझे लगता है कि उनके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य यही था। जो समाधि के अवसर पर हमें इस अवसर पर यहाँ पर भागीदार होने का अवसर मिला है, उन्होंने अपने इस भौतिक शरीर से नहीं इस नश्वर जगत को छोड़ा है। अब एक ऐसी खबर जिस पर चिंता की जानी चाहिए। बीते मंगलवार को रुद्रप्रयाग के एक होटल से देह व्यापार के 2 संदिग्ध महिलाओं को और 2 नाबालिग बच्चियों को कोतवाली पुलिस ने हिरासत में लेकर होटल मालिक और एक महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। सचमुच पहाड़ में देह व्यापार की इस
घटना को आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो नाबालिग लड़कियां मंगलवार को पुलिस की हिरासत में आई हैं, उन्हें इस धंधे में धकेलने वाली और कोई नहीं बल्कि उनकी ही माँ है। ये बयान खुद नाबालिग लड़कियों ने दिया है। नाबालिग बच्ची के बयान के आधार पर पुलिस ने उसकी माँ के खिलाफ संगीन धाराओं में FIR दर्ज कर दी है। पुलिस की अब तक की जांच में यह भी सामने आया है कि महिला के खिलाफ मानव तस्करी के आरोप में हरिद्वार और लक्सर में पहले भी FIR दर्ज हो चुकी है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये नेटवर्क और भी बड़ा हो सकता है। अब सवाल ये भी उठता है कि पहाड़ों में, खासतौर पर रुद्रप्रयाग में, जहां पर कि कई यात्राओं का पड़ाव रुद्रप्रयाग है, ऐसी जगहों पर इस तरह के संगीन मामले सामने आना जहां एक तरफ शर्मनाक बात है, तो वहीं पुलिस प्रशासन के लिए भी ये एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। कल महिला हेल्पलाइन में एक प्रकरण में एक परिवार की काउंसलिंग के दौरान जो हमारे वहाँ पर काउंसलिंग के अधिकारी थे, उनको एक संज्ञान में आया कि एक कोई नाबालिग बच्ची है उसी परिवार से, जिसके साथ कोई शारीरिक शोषण की बात प्रकाश में आई। इसको गंभीरता से लेते हुए उसने तत्काल उच्च अधिकारी और सभी को सूचित भी किया। अब खबर पिथौरागढ़ से है। कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष दिनेश गुरुरानी का कहना है कि KMVN ने प्रदेश के दोनों निगमों के एकीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसका कर्मचारी महासंघ पुरजोर विरोध करता है। कर्मचारी महासंघ कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम के एकीकरण का विरोध करता है। उनकी कई तरह की मांगे थी, लेकिन इन मांगों को दरकिनार कर एक तरफा फैसला सुना दिया गया, और जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक कर्मचारी महासंघ इसका एक तरफा विरोध लगातार करता रहेगा। केवल कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल विकास निगम के एकीकरण का फैसला लेती है तो कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम कर्मचारी महासंघ इसका पुरजोर विरोध करेगा। शीघ्र ही कुमाऊं और गढ़वाल मंडल विकास निगम कर्मचारी महासंघ की एक आपातकालीन बैठक होगी। बागेश्वर शहर की अब बात कर लेते हैं। बागेश्वर शहर में दिन प्रतिदिन गाड़ियों के दबाव के कारण जाम की समस्या लगातार बनी रहती है। जाम लगना अब यहां पर आम हो चुका है। तहसील रोड, कॉलेज रोड, बस अड्डा, RTO जैसे प्रमुख जगहों पर लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है। नगर पालिका के पास पार्किंग न होना और पॉकेट पार्किंग का न होना ये सबसे बड़ा कारण है यहाँ पर जाम लगने का, जिसके चलते रोजाना सड़कों पर जाम की स्थिति बनी रहती है। लोग अपनी गाड़ियों को मजबूरन ही सड़कों के किनारे खड़ा कर देते हैं, जिससे कि जाम की स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। अब ऐसे में ये सवाल भी बनता है कि इस तरह के जो नगर हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, क्या ये अव्यवस्थित तरीके से बने हुए हैं? क्योंकि बागेश्वर की हमने बात करी कि इस तरह से जाम लगा हुआ है, मसूरी की बात कर लें कि इस तरह से जाम लगा रहता है, या फिर और पहाड़ी शहरों की बात करें तो ये आवश्यकता यहाँ पर भी पड़ जाती है कि इन शहरों के लिए या फिर इन कस्बों के लिए कोई ठोस नीति बनाई जाए। पार्किंग हमारी बन रही है, दो पार्किंग का हमारा कार्य चल रहा है, लगभग 80% से ऊपर उनमें कार्य हो चुका है। एक पिंडारी रोड पर है और एक तहसील रोड पर है। तो देखिएगा, उत्तराखंड में हमने आपको दिखाया किस तरह से स्मार्ट सिटी देहरादून बनेगा। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए क्या कुछ कवायदें चल रही हैं, कितना खर्चा हो रहा है, किन किन प्रोजेक्टों के वर्क ऑर्डरों को मंजूरी दी गई है और इस पर अब आगे किस तरह से काम किया जाएगा, ये रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई। साथ ही केदारनाथ में किस तरह से इस बार रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आ रहे हैं वो भी हमने आपको बताया। इसके अलावा कई सारी बातें बताई हैं। इसी तरह की रोचक जानकारियों के लिए और खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए संवाद 365 के साथ और देखते रहिए देखिएगा उत्तराखंड। अगली बार एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे कुछ और खबरों को लेकर, उन खबरों की नजर को लेकर, उनके विश्लेषण को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।